शाजापुर के कालापीपल विधानसभा से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने गेहूं खरीदी को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि शाजापुर जिले में गेहूं खरीदी केंद्रों पर गिरिती के लोगों को भेजने के भोजन के पैकेट बांटे गए और जिसमें भी सिर्फ 7 पुड़ी, लौंजी, सेव और अचार दिया गया, जिस पर 60 लाख रुपए खर्च होना बताया गया। कुणाल चौधरी ने कहा कि स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार आपदा की इस घड़ी में भी अवसर तलाश रही है, जो कि निंदनीय है। वहीं कुणाल चौधरी ने भोजन वितरण में घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। एक नया घोटाला मध्य प्रदेश में और सामने आया है, भोजन का घोटाला, कि 24 तारीख से कुछ लोगों को भोजन के पैकेट दिए, 7 पूड़ी, थोड़ी सी लौंजी और सेव और अचार, जिनका पूरा बिल शाजापुर जिले में लगभग 60 लाख रुपए का इन्होंने दिया है। एक आपदा में अवसर कैसे बनाया जाए, किसान के नाम पे कैसे लूटा जाए, ये बात शिवराज सरकार ने दिखा दी है। मेरी मांग है कि इसके ऊपर जांच होना चाहिए कि इस प्रकार का महाघोटाला किसानों के नाम पे, जबकि किसान कई कई दिन प्रताड़ित होता रहा, हमने मांग करी थी उसे नगद किराए के पैसे दिए जाए, पर वो ना तो दिए गए, पर किसान को प्रताड़ित करके उसके नाम पे लूट सके तो लूट एक योजना, और ये भी एक भोजन के नाम पे एक बड़ा घोटाला शाजापुर जिले में हुआ।